अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया का हुआ निधन। एक्टर ने दी इस बात की जानकारी। शोक में डूबा पूरा परिवार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, बॉलीवुड के अभिनेता अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया का आज सुबह निधन हो गया है। इस बात की जानकारी खुद एक्टर अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी। बीते दो दिनों से उनकी मां की हालत बहुत ही गंभीर थी, जिसके चलते अक्षय की मां को मुंबई के एक अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था। बता दें कि अक्षय कुमार ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो मेरी कोर थी, मेरी मां श्रीमती अरुणा भाटिया आज सुबह शांतिपूर्वक इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में अपने पिता के साथ फिर से मिल गई। मैं आपकी प्रार्थनाओं का सम्मान करता हूं क्योंकि मैं और मेरा परिवार इस दौर से गुजर रहे हैं। ओम शांति। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता अक्षय कुमार अपनी मां को देखने के लिए ब्रिटेन से मुंबई वापस पहुंच चुके थे। बताया जा रहा था कि अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया कुछ दिनों से अस्वस्थ थी और मुंबई के हीरा नंदानी अस्पताल के ICU में एडमिट किया गया था। ऐसे में अक्षय कुमार UK से अपनी फिल्म सिंड्रेला की शूटिंग को बीच में ही छोड़कर भारत वापस लौटे थे। बता दें कि अक्षय को अपनी मां से बेहद ही लगाव था, इसीलिए ही उन्होंने उनके अस्वस्थ होने पर शूटिंग बीच में ही छोड़ दी और वो वापस लौट गए। आपको बता दें कि अक्षय की मां अरुणा भाटिया की उम्र 77 साल के करीब थी और कुछ साल पहले उनके घुटनों की सर्जरी भी हुई थी। बता दें कि अरुणा भाटिया फिल्म प्रोड्यूसर भी रही है और उन्होंने कई फिल्मों को प्रोड्यूस किया था। खैर, अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।